की पशु बलि चालू करो मजदूरों का जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद। आज पशु मंडी लगवाने के लिए धरना दिया है। और क्या मांग है? मांग है पशु मंडी लग जाए, यही है, जिसमें जिमीदार भाइयों का फायदा है। यहाँ एक भैंस बेचने सर से जाते हैं 9,000 रुपये कट जाते हैं, वहाँ 9,000 रुपये एक भैंस का काट लेते हैं। यदि भैंस पशु व्यापारी या जिमीदार भैंस बेचने पंजाब मंडी में जाते हैं तो 5,000 एक भैंस का खर्चा आता है। यहाँ सिर्फ 500 रुपया दलाली लगती है, 300 लिखाई लगती है, 800 में बेच के नकद पैसे जेब में डाल के घर चला जाता है। ये 30/4 को एक महीने के लिए मंडी बंद की थी, उसके बाद क्या हुआ, अभी बाढ़ आ गई, 2 महीने 1.5 महीना बाढ़ में पानी खाली हो गया। अब उसके बाद डीसी साहब को मिल लिए 4-5 दफा, आश्वासन यही होता है भी 10 दिन में मंडी लग जाएगी। डीसी साहब सीईओ को लिख देता है, सीईओ आगे बीडीओ को लिख देता है, मंडी को लगा नहीं रहा। हर 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 संडे का, हाँ, सब मंडी चालू है। फिलहाल पूरी फतेहाबाद में बंद हुई है मंडी, सिर्फ फतेहाबाद मंडी बंद है। प्राइवेट मंडी जो है गवर्नमेंट कोई नहीं रोकती, उखलाना मंडी लग रही है, सरसा रोज मंडी लगती है। या ना तो प्राइवेट लगाने देते हैं, ना ही अपनी गवर्नमेंट की चलाते हैं, जिसके की मंडी ना चलाने से हर संडे को 10-15 लाख रुपए गवर्नमेंट को नुकसान है। फिलहाल धरना कब तक चलेगा? है जी, धरना कब तक चलेगा जी? जब तक मंडी चालू नहीं होगी। सांकेतिक धरना है ये, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, अभी कुछ नहीं इसके बारे में। कोई बातचीत हुई है जी आपकी? है जी, अधिकारियों से कोई बातचीत? अधिकारियों से कल भी मिले हैं, वो कहते करते हैं एक आधे दिन में, कोई गारंटी नहीं करते, बात यही। हाँ, इसलिए एक साल हो गया मोरी राम ग्रोवर।